सब्सक्राइब कीजिए नया कश्यप चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो व्यूअर्स, मैं नेहा कश्यप। आज मैं आपको टमाटर आलू की सब्जी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। हमने दो टमाटर लिया है जिसे हमने मोटे टुकड़े में काट लिया है। आलू को हमने मोटे मोटे शेप में, 6 आलू जिसे हम मोटे शेप में काटे हैं। और हमें मसाले के लिए हमें चाहिए सरसों, थोड़ा सा सरसों हमने लिया है। लहसुन की कलिया, 1 फुट लहसुन लिए हैं जिसे हम कलियों में इसे निकाल लिए हैं। हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और हमने जब सब्जी बनके तैयार हो जाए उसके लिए हमने धनिया पत्ता लिया है। तो आइए हम देखते हैं क्या करें। पहले हम आलू को तल लेंगे। तलने के लिए हम फ्लेम ऑन करेंगे। हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे। जब तक हमारी ऑयल गर्म हो रही है तब तक हमने जो खड़ा मसाला रखा था उसे हम पीस लेंगे। हमारी ऑयल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें आलू को तलने के लिए डाल देंगे। आलू को हम अच्छे से पकाएंगे, इसमें ब्राउन होने तक इसे हम भूनते रहेंगे। आलू में थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर डाल देंगे जिससे हमारे आलू की कलर जो है अच्छी दिखे। थोड़ी सी इसमें हम नमक भी मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी हम इसमें लहसुन की पेस्ट भी ऐड कर देंगे। और हम इसे अच्छे से पकने देंगे। हमने जो इसमें लहसुन ऐड किया है इसे हमें, जैसे मछली को फ्राई करते हैं उसी तरह से आलू को फ्राई कर रहे हैं, तो इसमें स्मेल आ रही है। हमारी आलू की कलर कितनी सुंदर आ गई है और ये भून के तैयार हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। आलू को पहले तलना ना भूले, फिर तलने से इसमें जो हमने मसाला ऐड करते हैं वो आलू के अंदर जाता है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है और स्वादिष्ट भी लगेगी।
तड़के में सरसों और मेथी का तड़का देंगे। और इसमें आपकी मर्जी है तो सूखी मिर्च भी डाल दीजिए, आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो, क्योंकि हम मसाले में भी तो मिर्च डालेंगे। अब हमने जो मसाला पेस्ट तैयार किया है उसे हम इसमें डाल देंगे। लहसुन और सरसों का पेस्ट हमने जो तैयार किया है, हम 2 चम्मच इसमें धनिया डालें और 2 से 3 चम्मच सूखी मिर्च पाउडर डालें, फिर हल्दी। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दें। मसाले में से ऑयल छोड़ दें तो आप इसमें टमाटर मिक्स कर दीजिए। हम टमाटर को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। हमारी मसाला अच्छी तरह से भून चुकी है। अब हम इसमें जो आलू फ्राई करके रखे थे उसे हम इसमें डालेंगे। इसे भी थोड़ी देर तक भूजेंगे और फिर इसमें हम पानी मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हम उबाल आने तक ढक के रहेंगे जिससे हमारी सब्जी पक जाए। ये देखिए हमने मसाले को अच्छी तरह से मिला लिए हैं आलू के साथ। हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हैं बस उतना ही रखें। हम इसे उबाल आने तक इसे ढक देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसे उबाल आने दें। हमने 2 से 3 मिनट तक इसे ढक के छोड़ दिया है। अब इसमें उबाल आ गया होगा, देखते हैं। हाँ वाह, कितनी सुंदर कलर आ गई है इसमें। अब हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है। हम प्लेन ऑफ कर देंगे और इसे सर्व करने के लिए देंगे। हमारी आलू टमाटर की सब्जी बन के तैयार हो चुकी है और ये हमने सर्व करने के लिए डाल दिया है प्लेट में।
और हमारी वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक जरूर से जरूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं जिससे हम आपको नई नई वीडियो और भी बना के डालें जो आप जल्दी से इसे देख सकें। थैंक यू।